sir, for giving such an extensive view on that given topic. Now, moving ahead, I would like to call upon our next eminent speaker, Dr. Dinesh Chand Sharma. He is from KMGG PG College, Badalpur. He is an academician who has worked extensively in the field of biochemistry and molecular biology. He has been associated with organizations and associations like RUSA and UPSAC. He has a vast administrative experience as coordinator, and he has been members at various committees, and he has also been at Regional Higher Education Office and associated with IGNU. Welcome, Dr. Dinesh Sharma, sir. Thank you, ma'am. Mr. Ma'am, Professor Bhagwaj, Professor Gaur, Professor Sharma, Anjula ma'am, thank you to you. आपने मुझे compel कर दिया कि यहाँ जाऊँ. वरना डायस पर बैठ के अपने आप के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. वो रीजन भी था कि कल भी मेरी ट्रेन लेट थी, आज की ट्रेन में हद. मैं एक बार चाहूँगी यहाँ जितनी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक जोरदार तालियां सर के लिए. आपको बताना चाहूँगी कि सर हमारे लिए लखनऊ से सीधे यहाँ पर आ, तो इसलिए एक बार जोर से ताली हो सकती. सर ने बहुत अच्छा अपना इंडक्शन के बारे में बताया, बहुत अच्छा टॉपिक दिया. मैं मैडम के सवाल से ही अपना लेक्चर आरंभ करना चाहूंगा. मैडम ने डेटा एनालिसिस की थी, उसमें बताया कि टीचर से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात आ रही थी. पहला सवाल तो ये है, क्या मैम आपने ये पूरे कॉलेज में किया था, ये टारगेटेड बी एड स्टूडेंट थे या मेजोरिटी ऑफ द बी एड स्टूडेंट थे? मेजोरिटी ऑफ देखिए, मैम ने तीन बताए, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बीएड. मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा, यही डेटा एनालिसिस आप बीए बीएससी बीकॉम पे करिएगा, रिजल्ट उलट जाएंगे. इसका रीजन भी है. इसका रीजन क्या है? एक आंसर तो यहाँ एक स्टूडेंट ने दिया था, क्योंकि इन लोगों को यहाँ आने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद लेनी पड़ी है, और इनका जो एक्सपीरियंस डेटा एनालिसिस है वो अभी तक की जर्नी पर है. और यही आज से आप चार साल बाद या यदि एलुमनाई बन जाएंगे, आप करेंगे, तो शायद डेटा एनालिसिस बदलेगा. सेकंड चीज, बीएड के स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो ये पूछा गया था कि कितने लोग सहमत हैं टीचर्स के लिए इंडस्ट्री प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए. मेजोरिटी ने कहा हाँ, एक स्टूडेंट ने बताया भी, लेकिन उसका जवाब खुद के आंसर में था, आंसर बाकी लोगों ने नहीं दिया. क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मेजोरिटी बी एड वाले हैं, क्यों आप खुद ट्रेंड होते हैं, इसलिए आप चाहते हैं टीचर भी ट्रेंड हो हमारे, ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव देखिए, हर एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी का लिटरेटरी प्राइम, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ. जिसके आप टीचर बनने जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज तक लेके जाना है, चीजें हैं स्टूडेंट को बतानी है. हायर एजुकेशन में आते हैं तो उस नॉलेज को एनालिसिस पे ले जाना है. कह सकते हैं कि इतनी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल है. इसमें वो होगा डीसीएस आरजीपीजी होगा, टीपीटी होगा, बोला या पीडीएफ लगाएगा, चूंकि हिंदी फॉन्ट भी होंगे उसमें. ये जो ट्रेनिंग है, इंडक्शन प्रोग्राम है, ये होने चाहिए. अब बात क्यों उठ रही है? देखिए, एक इंडक्शन जो हायर जो एनालिसिस है, आप उसी बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते. एनालिसिस जब ही ग्रो करेगी तो आपको लिबर्टी मिलेगी. और क्या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया भर में होते हैं? हमारे यहाँ क्यों फोकस हो रहा है? क्या हम ट्रेंड होके आए थे? देखिए, इसके दो तीन एग्जाम्पल कोट करूंगा. हमारा जो इंडक्शन स्टार्ट हो रहा था, हमारी पीएचडी से स्टार्ट हो जाता था, मेरे गायक थे प्रोफेसर पी एन सक्सेना साहब, और भी कई टीचर्स थे जिनके नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट माने जाते थे. इवन हम जब अपनी थीसिस लेके जाते थे गर्मियों में, घर के बाहर पंखा चलता था, वो मतलब पानी को ही नहीं पूछते थे, बड़ा गुस्सा आते थे. दो तीन लोग ग्रुप में जाते थे कि क्या कर रहे हैं ये. लेकिन वाकई आज मैं हूँ तो उनकी वजह से हूँ. उन्होंने बहुत सिखाया, वो एक इंडक्शन था. तीन चार बार हम पेपर देते थे, इतनी जल्दी पढ़ कैसे लेते हैं? दो सेकंड लगने, खराब है, ले जाओ दोबारा लिख के लाओ, रीराइट रीराइट रीराइट. चौथे बार में जाके कुछ चार पांच लाइनें वो ऐड करते थे. जब हम टीचर बन गए, मेरे घर पे भी आते थे, चलिए जब टीचर बन गए थोड़े पार्ट पे आगे उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया,
उन्होंने चीज समझाई थी क्या चीज थी, क्यों चेंज होना था। उन्होंने कहा चार बार मैं भेज रहा हूं आपको, वो एक इंडक्शन का प्रोसेस था, मुझे पता है मैं पढ़ता भी हूँ, मुझे पता था मैं कभी नहीं पढ़ता था, लेकिन ये फैक्ट था कि मैं भेज रहा हूँ तो आपको लगा सर ने कहा है तो दो लाइन आप जरूर नेक्स्ट टाइम ऐड करके लाएंगे। मैक्सिमम वो निकालने की कोशिश करते थे मेरा, यानी अपने स्टूडेंट का, उसके बाद वो अपना इनपुट दे देते थे। उसकी वजह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनकी वजह से, वो एक इंडक्शन था। फिर एक इंडक्शन हमारे जॉब में आने के बाद होता था, हमारे सीनियर्स होते थे, वो सीनियर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। मैंने बहुत कम देखा है, मेरी पुरानी नौकरी नहीं है, 22 साल की जॉब है मेरी, लेकिन सीनियर्स ने बहुत सिखाया था। इवन वो हमसे फैमिलियर बातें बहुत कम करते थे, लगता था रूड है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम सबसे पहले आगे खड़े होते थे। आज इमेजिन करिए आप, अगर आप पीएचडी स्कॉलर से ऐसा करें चार बार, क्या हम बाकी करते हैं? शायद पीएचडी स्कॉलर को हम इतना ट्रेन नहीं करते। ऐसे ही जो हमारे स्टाफ रूम है या कहीं भी है, वहाँ क्या बातें होती हैं नए टीचर्स के साथ? क्या हम सिस्टम पे बात करते हैं? क्या हम उनको ट्रेन करने की बात करते हैं? नहीं। इसलिए शायद इंडक्शन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है। एक चीज और, जो अभी सर ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर पैटर्न बता दिया है कि इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, मैडम सर कैसे देगी, जो भी आप इसका आउटपुट निकालें, क्योंकि यूपी की पॉलिसी बनने जा रही है कि हम टीचर को कैसे ट्रेन करें, तो आप जो भी हैं वो देंगे तो वो भी उसका पार्ट बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ अच्छी हुआ जाएंगी। टीचर्स ट्रेनिंग केवल इंडक्शन के वक्त नहीं होनी चाहिए, शुरुआत नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग लगातार होनी चाहिए, उसके फेजेस होने चाहिए। और टीचर सेल में जैसे चला जाता है, ऐसा नहीं टीचर सारे टीचर काबिल हैं, लेकिन एक चीज से मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि सबको टाइम से और एक सिस्टम पैटर्न से प्रमोशन दिया जा रहा है। अगर हम इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो एजुकेशन कभी इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन में हमें कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी को लाना होगा, चाहे वो एपीआई है, कोई भी सिस्टम है वो ठीक है, उसके माल प्रैक्टिसेस हैं जो एपीआई में पकड़ ली जाती है, इसकी वजह से होती है, बट देयर मस्ट बी सम सिस्टम जिससे हम सेपरेशन कर सकें। 100% को नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो अपने आप उगाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथी बड़ा खराब भी मानते हैं, जब हम इससे पहले रिसर्च की नेट के में बहुत वर्कशॉप में जाता हूँ, बहुत देखा है, रिसर्च गांव में नहीं हो सकती, रूरल कॉलेज में रिसर्च कैसे होगी साहब, इंटीरियर कॉलेज है, बहुत समझाते हैं पीएचडी का रिसर्च का मतलब पीएचडी नहीं, मानने को तैयार नहीं होते थे। हम सभी जानते हैं प्रोफेसर का प्रमोशन आया, कौन सा ऐसा गाँव का कॉलेज का टीचर प्रोफेसर बना हो, वहाँ 10 करोड़ की बात थी, वो रीजन कुछ भी रहे हो, इट मीन कहीं ना कहीं हमको जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो को चलाएंगे उसको हमें कहीं ना कहीं जोड़ना होगा हमारे प्रमोशन चीज़ों से, और पर्सनल चीज़ों को टारगेट करना होगा। अगर हम पर्सनल चीज़ें टारगेट करेंगे तो धीमे धीमे चीज़ें आगे आएंगी। फिर एक मैंने कोविड के समय टीम प्रोग्राम देखा था, तो वहाँ एक यूएस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उन्होंने प्रोफेसर घोष थे आए थे, तो जो एंकर थे यहाँ पूछा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वाने की, तो उन्होंने जिसका नाम दिया था, नाम में बोला, उसमें नोबेल प्राइज मिला था 2 दिन पहले कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने पूछा भाई 2 दिन पहले ही आया है, आपके सिलेबस के करिकुलम का पार्ट भी हो गया? तो उन्होंने नहीं, यहाँ ऐसी करिकुलम फिक्स चीज़ें नहीं है, यहाँ करिकुलम टीचर डिसाइड करता है, और मेरे जिन साथियों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टडी की होगी भाई साफ बात की गई कि टीचर पर करिकुलम छोड़िए, न यूनिवर्सिटी बनाए ना कॉलेज बनाए, ड्यू कोर्स टाइम ऐसा हो सकता है। अब समस्या ये आती है कि टीचर पर करिकुलम छोड़ दिया तो एग्जामिनेशन कैसे होगा? अब उसकी भी बात थी, उसमें दिक्कत क्या है, वहां का सिस्टम देखिए, वहां कंप्रेसिव कंटिन्यूस इंटरनल एवोल्यूशन है, वहां एक फिक्स एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम, और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है वो भी ये कहती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डिटरमिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन तोता बना दे, रखते जाइए नॉलेज को एनालिसिस बन नहीं दे रहे, और वो जो असेसमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं सीआई, जिसको हमारे साथी कहते हैं एक्स्ट्रा लोड आ गया, और मैं वो कहते नहीं मानता लोड आ गया, लेकिन हमारे साथी कहते हैं कि एक्स्ट्रा लोड आ गया, वो उसके उसी का पार्ट है जिससे आप उसके एनालिसिस को निकाल लें, और वो चीज़ें उसको आगे ले जाएंगी बच्चों को। और इसीलिए यूपी की जो चूंकि सिलेबस कमेटी का भी पार्ट था, मैं हमने पीजी का अगर आप टारगेट देखिए, पीजी का सिलेबस की गाइडलाइन वहां लिखा है कि ओपन यूनिट एटलीस्ट शुरुआत करिए, पीजी का जो सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का देखिए, एक यूनिट उसको नाम दिया गया ओपन यूनिट, टीचर कुछ भी पढ़ाए वो उसकी लिबर्टी है, कोई सिलेबस प्रस्क्राइब नहीं है,
बट उसका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं टीचर्स के लिए, एक फिक्स पैटर्न का इंडक्शन प्रोग्राम कंडीशन ऑफ हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस वो हमारी जिम्मेदारी थी बीए सीनियर जो हमने छोड़ दी, जिसकी वजह से ये चीजें आ रही हैं। अब आते हैं थोड़ा नेशनल एजुकेशन के पार्ट पर, एनईपी के इस बारे में बात करती है। देखिए एनईपी के जो लास्ट में जो भी एनालिसिस हो गया है उसमें तीन चीजें हैं, क्वालिटी, नेक्स्ट लाइन एक्सेस और फ्यूचर रेडीनेस। और इस सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडक्शन प्रोग्राम अब आएंगे या ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है केवल नए टीचर्स के लिए नहीं, सभी टीचर्स के लिए। इसलिए थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फ्रेमिंग हो रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम की। और जैसा मैंने कहा आईपीएससी, हमारी आईपीएससी ने अभी कोविड के बाद से आप देखें हम 4-5 इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट किए थे और लगातार हम करते जा रहे हैं। एनईपी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके आने के बाद टीचर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि टीचर को अब जरूरत क्या है, रोल बदल रहा है। एक युग आता है जब रोल बदलते हैं टीचर के, और जब से आईटी आया है, टेक्नोलॉजी का युग आया है, टीचर का रोल बदल रहा है। और उसमें हमारे वरिष्ठ साथियों को भी बहुत जरूरत है ट्रेन होने की, ये स्किल की और इस स्किल की। रोल कैसे बदल रहा है, एक समय अगर हमें कुछ ढूंढना हो, कोई टॉपिक चाहिए, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मैंने कितनी लाइब्रेरी सर्च की होंगी अपने पीएचडी में, ज्यादा पुराना नहीं, बहुत 20-22 साल पहले की मेरी पीएचडी हुई, 20 साल की काफी लाइब्रेरी। लेकिन आज एक टॉपिक लीजिए नेट पे इतना आ जाएगा, पूछिए मत। आज एक बच्चे को सपोज माइटोकॉन्ड्रिया सर्च कर लिए, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो आ जाएंगे, और सबसे ऊपर वीडियो कौन सा आएगा जो सबसे ज्यादा देखा गया या जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पेमेंट करके ऊपर किया गया। अब जो अब बच्चा पहला दूसरा तीसरा इससे ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे, उसको पढ़ लेंगे, उसको सुनेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन कैसी है, वो सही इंफॉर्मेशन है गलत वो ही बताने जा रहा है। दैट इंफॉर्मेशन बिकम द पार्ट ऑफ हिज नॉलेज, जो गलत हो सकती है, सोर्स पता नहीं है। अब टीचर का रोल क्या है, यहां चेंज हो रहा है। अब टीचर को यह भी बताना पड़ेगा, जैसे बच्चे ने कहा था कि सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन कैसा है, वो टीचर को सीखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। और ये प्लस टू में जरूरत नहीं है, हायर की सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। होलिस्टिक एजुकेशन है एनईपी का 2020 का गोल, कि अभी तक हम फिक्स डायरेक्शन जा रहे थे, हरे आप सभी जानते हैं जो बीएड के लिए, बीएड में भी आने वाला है, आपको पता है बीएड की कमेटी बन चुकी है, जल्दी वो भी सिलेबस चेंज होने वाला है। बीए वाला ही बीएड का कुछ पढ़ सकता है, बीएड वाले बीएड का कुछ पढ़ेंगे, ओपन हो रहा है। तो वो जो होलिस्टिक एजुकेशन की बात आ रही है कि साइंस का आर्ट्स पढ़े कम, तब ये सब बातें क्यों हो रही है कि बीएससी को तोड़िए बाउंड्रीज को, आप नेशनल एजुकेशन तोड़ा है, बीएड को तोड़िए आप, बीए को सब खत्म करिए, बाउंड्रीज को खत्म करिए, सिंगल स्ट्रीम को खत्म करिए, सिर्फ इसलिए कि हायर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनालिसिस करना। अगर वो फिक्स बाउंड्री में चलेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं लेगा, तो शायद उसका थॉट प्रोसेस ओपन नहीं होगा। इसलिए सारी बाउंड्री ओपन की जा रही है और बच्चों से भी ओपन की जा रही है। हम जिस आईसीटी, हमें क्या लगता है कि हमने प्रोजेक्टर लगा दिया, ये लगा दिया, हम बहुत आगे आ गए, लेकिन दुनिया इसी एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे जा चुकी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, मशीन लर्निंग आ चुकी है, जिसको हमें फेस करना है आने वाले 4 या 5 साल में, ज्यादा नहीं फेस करना है। उस मशीन लर्निंग से या आर्टिफिशियल लर्निंग से बने हुए टीचर को हम कैसे फेस करेंगे, जो एजुकेशन सिस्टम आएगा उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। देखिए आईटी कुछ भी लेकिन एनालिसिस नहीं ले सकती, जो एक इनोवेटिव अप्रोच से आती है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो टीचर ही रहेगा सर। और टीचर का रिप्लेसमेंट कभी भी आईटी नहीं हो सकती, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट, जस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें सदैव निकाल देना चाहिए कि ये टीचर कम हो जाएंगे, तमाम ऐसी चीजें आती हैं, टीचर का कोई रोल नहीं रहेगा, वो कभी नहीं हो सकता। टीचर का रोल बदलेगा, टीचर की जरूरत सदैव रहेगी, लेकिन सर्वाइव कौन करेंगे, जो चेंजिंग एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाएंगे। सर ऑफ द टेस्ट डार्विन की थ्योरी है, जो एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है सर्वाइव करेगा, नहीं चेंज हो रहा है धीमे धीमे चलता बनेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेकिन टीचिंग भी हमारा, टीचिंग के जितने आवर दिए हैं उसको अगर हम ले जाएंगे तो ज़्यादा नॉन टीचिंग आप बैलेंस बना सकते हैं। मैं भी नॉन टीचिंग बहुत करता हूँ, आज भी है नॉन टीचिंग वर्क भी है, लेकिन टीचिंग को बैलेंस बनाए रखता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन करके बनाऊँ चाहे मैं ऑफलाइन करके बनाऊँ। जो मेरा टीचिंग का नुकसान होता है, जब मेरी छुट्टियाँ होती हैं, मैं कोविड से पहले से ऑनलाइन लेता हूँ, कोविड तो बहुत बाद में आया, चूँकि मैं सिंगल टीचर था, मास्टर्स आ गई थी बाद में, मेरे यहाँ टीचर्स आ गए, मैं तब से ही लेता हूँ, तो बैलेंस बना लेता हूँ। लैब से रिलेटेड वर्क है, एक सेक्टर वो होगा जिसको जाना है, जिस टीचर को जिसमें जाना है उसमें जाएगा,
स्पीच का जो फ्यूचर के लिए टीचर ट्रेन करना है, जिसका फोकस ही एआई और एमएल होना चाहिए। अगर जिस टीचर को कंप्यूटर नहीं आता, बेसिक चीजें नहीं आती, मुझे तो बेसिक सिखाना है उसको और मैं सीधे एआई एमएल की उसमें ट्रेन में आऊंगा, उसके लिए किसी काम का नहीं होगा। या तो बोर होगा या सिर्फ सर्टिफिकेट लेके चला आएगा, कैसे भी करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक ग्रुप 5 सेक्टर में डिवाइड किया जा रहा है। तीसरा एज के आधार पर, एक होना चाहिए कि 20 से ऊपर वाले हैं, एक 10 से ऊपर वाले हैं, एक 3 से कम वाले, जो इंडक्शन प्रोग्राम है। यानी जो यूपी स्टेट की बात हो रही है, हम जो बात की जा रही है, उसमें हर एक के लिए ट्रेनिंग होगी, केवल इंडक्शन नए वालों के लिए, सभी के लिए होगा और वो अलग अलग एज ग्रुप में होगा, क्योंकि हर एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट अलग है। और एक ग्रुप के साथ क्या है, वो कुछ ना कुछ सीख के आ रहे हैं। नए जब सीनियर हो जाते हैं तो कोई भी, मान ली आज मैं वक्ता हूँ, कला वक्ता हो सकते हैं, हम दूसरे एक दूसरे को सुनते हैं, लेकिन कई बार सुनते होते हैं हमारे लिए, मैं कहता हूँ मेरा कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम तब सक्सेस, अगर मुझे 5% नॉलेज मिल गई तो मेरे लिए सक्सेसफुल है। मान सकता हूँ मुझे बहुत कुछ आता है, तो लेकिन कुछ तो मिलेगा। अगर मैंने मान के चलूँ कि जो बोल रहा है सारा कुछ मुझे, वो नहीं पर मेरा ठीक था जब मैं शुरुआत कर रहा था, लेकिन अब वो चीज़ें ठीक नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड थी, ये एज ग्रुप में वीडियो। फिर जो आईटी बेस्ड है, जो फ्यूचर का टीचर है, और चूंकि अधिकांश से कहा जाता है कि आईटी टीचर को अलग कर रहे, मैं कहता हूँ टीचर आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको टाउन उम्र के बाद दुनिया में जिंदा रखेगा। आपके YouTube पे लेक्चर आ रहे हैं, किसी न किसी टॉपिक के मास्टर हैं आप, वो टॉपिक अपने आप धीमे धीमे ऊपर आता जाएगा, और जब होंगे या नहीं होंगे आप, वो अपने आप जब भी जरूरत पड़ेगी वो टॉपिक आता जाएगा धीमे धीमे। और आपकी जो आइडेंटिटी है, अगर मैं प्रोफेसर हूं जूलॉजी का, तो एक आइडेंटिटी वो बता दिए, लीगल नॉलेज है ये जो मैं दे रहा हूं, एक ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, जैसे यूट्यूब में ब्लाइंड नहीं कह रहा था। एक तरफ आप ऑथेंटिटी लगेगी, दूसरी तरफ आइडेंटिटी बनेगी, टीचर फॉर एवर हो जाएगी आप। और फाइनेंशियली बहुत मिलती है, पैसा ही बहुत मिलता है, हम अधिकांश पैसे से जोड़ लेते हैं। देखिए कोविड का जब एक्सट्रीम समय था, बहुत लोग आपने यूट्यूब में एक मेरा वीडियो देखा होगा, बहुत है, लेकिन एक वीडियो की बात अधिकांश से करता हूँ, उस समय बहुत दिक्कत थी, कुछ आप परचेज भी नहीं कर सकते थे। तो एक हाथरस से डीआरएस का फोन आया कि सर उसको ऑनलाइन क्लास टीचर ने, मतलब गवर्नमेंट का प्रेशर था कि देसी को इंटरवालिक कैसे करें, कहाँ से लाएं। तो मैंने एक सिंपल सा, उस समय भाई मेरे पास तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, मेरे कॉलेज में आप सभी जानते हैं एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है ना, जो टीचिंग के लिए भी और उसके लिए सिमुलेशन के लिए है। तो उस वक्त मैंने एक मिरर का बनाया था, एक ग्लास लेके नीचे मोबाइल रख के वो ऑनलाइन क्लास का मैंने दिखाया था। वो एक वीडियो शायद मैं जिंदगी भर पढ़ा लूँ कितने लोग, 10 लाख से ऊपर लोगों ने देखा, और हिंदुस्तान नहीं कहीं 24-25 घंटे, और उसने पैसा भी देना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था मोनेटाइजेशन भी होता है, उसके बाद पता मोनेटाइजेशन होता है, उसका पैसा भी, उसके बाद सारे वीडियो देना, और कोई सोच के नहीं डाला था, छोटा छोटा डाली आपको फंडिंग मिलेगी। तो आईटी आपको पैसा भी देगी, आपको फेम भी देगी, आपको फॉरवर्ड दुनिया सदैव जिंदा रखे, दूसरे आपकी रीच को बढ़ाती है। आप सिर्फ आज ही कॉलेज तक फिक्स नहीं है, आपकी लिमिटेशन बाउंड्री अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, आपको वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे आपको पता नहीं मिलेगा। इवन आप मेरे वीडियो पे देखिए नीचे लोगों ने किस किस पर रिमार्क किए हैं, किसको अरेबिक लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि स्लाइड पीछे जो मैंने थोड़ा सा बताया वो इंग्लिश में, बाकी मेरा तो टारगेट ऑडियंस अपने यूपी था, कि भाई यूपी के लोगों को बोलना है, वो हाथरस के लिए बोलना है, मैंने कोई टारगेट करके नहीं बनाया। तो ऐसा आप भी कर सकती हैं। तो आईटी में जो ट्रेनिंग होगी, ये तो बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता है वो एक सेक्टर रहेगा, शुरुआत बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी जाएगी, फिर एडवांस, फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इसमें एआई एमएल डोमिनेट करेंगी, फिर ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट करनी है। ऑनलाइन से संडे एक बात कही थी कि संडे कहा था कि ऑनलाइन में जिन्होंने 90% लाए वो इधर फेल हो गए। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ अपने आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपके आंसर हमारे बहुत आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और एमएससी बहुत कम, गर्ल्स बहुत आती हैं। आपने ये मान नहीं सकते, कंप्यूटर में जानते नहीं होंगे, इंटरनेट पे खूब सर्च करते हैं, मोबाइल है सब, इवन हम सबको एप्पल आईपैड देते हैं, हमारे सबको सारे मास्टर बच्चों को एप्पल आईपैड देते हैं, इशू करते हैं। उन बच्चों को मैंने एग्जाम दिया, कभी भी आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ, लॉक लगा हुआ उस पर, 50% बच्चे फेलते हैं। और वो तो रोक लगी हुई सीसीएस यूनिवर्सिटी की, 30% ज्यादा अदर स्टेट के नहीं आ सकते, 6-7 बच्चों से ज्यादा नहीं आते हैं, वरना सारी सीटें वहां से भर जाए हमारे यहाँ, और वो फेल हुए। तो ऑनलाइन मैं, और सिंपल ऑब्जेक्टिव था किस पर, गूगल पर। अब फेल कैसे हुए, देखिए जो सर्च करेगा वो इंटरनेट पर जाएगा, एक तो टाइमर लगाया हुआ था मैंने, और एक नहीं कम से 20 टेस्ट लिए होंगे मैंने, 100% रिजल्ट किसी में भी नहीं आया।
दूसरा क्या था, वो सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए थे, कॉपी पेस्ट नहीं किए थे, बस सिंपल सी चीज इतनी। अगर वो सर्च करने जाएगा तो उसका टाइम जाएगा, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट किया है मैंने तो आंसर तुरंत दिख जाएगा, और कॉपी पेस्ट नहीं किया है और टीचर किसी भी टॉपिक पर जब खुद लिखेगा तो कभी उसका आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, टाइम मिल जाएगा पड़ेगा लेकिन उधर टाइम किल हो जाएगा उसका, ये रीजन था। तो आप छोटी सी चीज करिए तो ऑनलाइन क्लास तो उनको कैसे यूज करें, जो हमारे एग्जिस्टिंग टूल में भी हमारे पास दो प्रकार के हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर फाइनेंशियली थोड़े वीक रहते हैं तो वो जो फ्री टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें, एक मोबाइल को भी आप अच्छा टूल कैसे बना सकते हैं, ये चीज सिखाने के लिए अलग से होगी ट्रेनिंग। फिर ई कंटेंट, ई कंटेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, ई कंटेंट तो बहुत है, आप जाइए एक टॉपिक पर IIT के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, नेट जो कितने बड़े बड़े प्रोफेसर के हैं, फिर नई ई कंटेंट बनाने की जरूरत क्यों, कोई बता सकता है? देखिए वो ई कंटेंट देखने आप उनकी देखिए कितना व्यूअर्स है, तो उनकी मोस्टली ई कंटेंट की रेस्ट्रिक्शन क्या है, लैंग्वेज भाषा ज्यादा अच्छी थी, उनकी नॉलेज बेस उनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन वो रीच नहीं कर रही स्टूडेंट तक, वीडियो भी रीच नहीं कर रही। उसके दो तीन रीजन जो मेरी समझ में आते हैं, एक तो होता है मैं सदैव कहता हूं जब यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं या मेरे भी आपने देखो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, हो सकता है गलती हो रही हो, जब मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ तब मेरा बिहेवियर अलग है, और जब मैं किसी रिकॉर्डिंग पर फंस जा रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। सो एक साइकोसिसी हो जाती है, कैमरा साइकोसिस कुछ भी मान लीजिए आप उसको, अजीब बिहेवियर पढ़ाता हूँ। एक फैक्टर है उनका लैंग्वेज, दूसरा है कि वो उतना कंटेंट को समझाना है कैमरा रूम में, वो लाइव नहीं है तो वो ऑडियंस तक नहीं पहुँचा, इसलिए यूपी ने यूपी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है कि आप कुछ मत करिए, आप दो उसमें अवार्ड दिए फिर दिए जाएंगे हर बार। दो चीजें हैं, एक क्या है कि जो मैंने कहा गागर में सागर ना मोती चुन के ला रहा है, आपको अच्छे अच्छे किसी के भी हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, अमेरिका कहीं के भी हों, किसी के भी हों, अगर आपको लग रहा है तो यूट्यूब ये बेस्टेस्ट का इन्फॉर्मेशन बेस बिल्कुल सही है, आप उसकी लिंक पेस्ट करिए अपने नाम के साथ, वो आपके क्रेडिट में काउंट होगा। केवल लिंक पेस्ट करनी है आपको, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन गई कि आपने फिल्टर करके दिया कि ये सही नॉलेज है इसमें जो दिए गए। दूसरा आप अपना जनरेट करके अपलोड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और वो बनाई इसलिए गई है कि उसमें आए। दूसरे हमारा टारगेट ऑडियंस, हम एक ही पैसे से, सर मैडम ने कहा था कि भाई दोनों प्रकार एक ही पैसे सबको नहीं पढ़ा सकते, लैंग्वेज नेवर बीन नॉलेज, इट इज जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का माध्यम कुछ नहीं है, मुझे टारगेट ऑडियंस देखते हैं कहां पर मैं जा रहा हूं, उस पेज से मैं पढ़ाऊंगा उनको तो कनेक्ट करूंगा जब ही जब मैं टारगेट ऑडियंस अकॉर्डिंग करूंगा, उस भाषा का इस्तेमाल करूंगा। तो जो एनपी बात कर रही है, ई कंटेंट आपके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल हिंदी भी नहीं बल्कि भोजपुरी में भी हो, जो भी लोकल लैंग्वेज है, तो उस पर एक ट्रेनिंग होगी। दूसरे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वी लैब वर्चुअल लैब, उसके लिए भी जल्दी गाइडलाइन आने वाली है वी लैब पर, कि वी लैब के मार्क्स ऐसे ऐड होंगे, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ बीएड अपने आप को एक्सक्लूड ना करें, ये चीजें सब बीएड में भी जुड़ने वाली हैं। कि मूल्यांकन सबका होना चाहिए, समय समय पर होना चाहिए, जो मैडम ने एक मूल्यांकन किया था एक प्रिंसिपल मैम की तरफ से सारे टीचर्स के नाम के साथ एक गूगल फॉर्म दे देना चाहिए, उसका मतलब किसी को पनिश करना नहीं है। मैं सर अपने बच्चों से भी कहता हूँ क्या कुछ तो डालिए, आप हमारे एविलेटर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट नहीं बताएंगे तो हम तो फिक्स, मैं जो पढ़ाना पढ़ाता रहूंगा। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे कि गूगल फॉर्म हो या फीडबैक फॉर्म हो, उसके अंदर डेफिनेटली डेटा जो आते हैं वो मीडियम लेवल पर आ जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या होता है, जैसे तीन कैटेगरी है तो मीडियम पर वो मार्क्स देते हैं। तो सर मैं कंप्लीट करना चाहूंगी, तो क्यों ना एक बिल्कुल ओरिजिनल ही कर लिया जाए, कैमरा सबके रूम में रखे गए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग देखें कि टीचर एग्जैक्टली कर क्या रहा है क्लास में, उसके बेसिस पर उसका वेरिफिकेशन हो जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, जो बीएड के बच्चे हैं और प्रैक्टिकल बच्चे हैं वो कभी ओपनली नहीं बताएंगे, उन्हें पता है वो कितना भी समझा लिया उनके मार्क्स अटके हुए हैं, तो उसके लिए ब्लाइंड फीडबैक चाहिए। सिर्फ तो बात कि टीचर की वैल्यूएशन अगर कैमरा के बेसिस पे हो, ब्लाइंड फीडबैक चाहिए, ब्लाइंड नहीं करेंगे दिक्कत क्या आती है, उन्हें पता है शायद प्रिंसिपल किसी टीचर को जानते हो, कहते भाई तुम्हारा टीचर ये शिकायत कर रहा था, प्रिंसिपल किससे नाराज है, वो टीचर स्टूडेंट तुम्हारी बात कर रहा था, तो इसलिए ब्लाइंड फीडबैक। अगर हमें ग्रोथ करनी है तो ब्लाइंड फीडबैक, ये नहीं पता मुझे कौन स्टूडेंट दे रहा है, टीचर का नाम जरूर होना चाहिए और उसके पैरामीटर ये गुड एवरेज ये वाले नहीं होने चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर होने चाहिए, उस पैरामीटर पर एनालिसिस, और उसका ऑब्जेक्टिव इतना है हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और मेरा ये मानना है जैसे किसी मूवी में भी था कि इंडिविजुअल जो मार्क्स आए सबको बताना चाहिए,
उस टीचर को बुलाया जाए, उसको उसका दिखाया जाए कि ये एक्सेस है और किसी को पता भी नहीं लगे, वो भी ब्लाइंड रहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। तो वाकई चीजें इंप्रूव करती हैं और इंडक्शन प्रोग्राम बिना ऑर्गेनाइज किए हम बहुत ज्यादा इंडक्शन कर सकते हैं, बशर्ते हमारे सीनियर साथी अपने रोल को समझें कि हमें ही करना है जो करना है। क्योंकि यहाँ भी मैं ही आ रहा हूँ, अपने कॉलेज में कराऊंगा तब भी मैं ही बोलूंगा, यहाँ भी आपसे बोल रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो सीनियर हूँ यहाँ आज वक्ता हूँ, इतना ही अंतर बदल गया। तो अगर मैं ये बात अपने ही कॉलेज में करने लूँ शायद अच्छी हो जाएगी, वो चीज होने लगेगी, उसको एक नाम दे सकता हूँ RSS सर ने कहा, IQC छोटे छोटे इंडक्शन प्रोग्राम चूंकि गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही है लेकिन हाँ जल्दी आने वाली है, वो इंडक्शन प्रोग्राम जो होंगे वहां सपोर्ट भी करेगी, लेकिन IQC अपने लेवल पे नए टीचर्स के लिए अपने आप प्रोग्राम कराना शुरू कर दे, छोटे छोटे प्रोग्राम कराए तो टीचर पर ज्ञान आएंगे, वो आसानी से हो भी जाएंगे। सपोर्ट शायद आपके VWAP हुई है मेरे अंदाज से, है ना, तो आप UGC का लोगो क्योंकि VWAP के उसमें भले ही फंडिंग नहीं मिल रही होगी VWAP में, लेकिन UGC का लोगो VWAP का बैनर डाली उसमें UGC का लोगो भी लग जाएगा, क्योंकि VWAP में लिखा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कराइए ऑर्गेनाइज कराइए। नहीं एक तो इंटर्नशिप है, दूसरे जो टीचर्स हैं आपके जो उसको उनको भी आप उसमें उनकी गाइडलाइंस में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, तो आराम से UGC का लोग लगा सकते हैं उसमें VWAP का नाम डालते हैं इसको। थैंक यू, अगर सवाल आएंगे सजेशन आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर बस एक और हमारे पास क्वेरी आई थी, हमारे कॉलेज दूसरे कॉलेज से एक क्वेरी थी कि नहीं सर कि जैसे कि टीचिंग में 180 से 200 डेज होते हैं और उसी बीच में इन सर्विस वर्सेस इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए सवाल था और उसी दौरान इन सर्विस के लिए नेगेटिव पॉइंट्स था और उसी दौरान वे इन सर्विस ट्रेनिंग भी करते हैं FDP प्रोग्राम भी करते हैं, तो वो टीचिंग के जो आर्स खत्म हुए हैं उसकी जस्टिफिकेशन किस प्रकार से की जाती है? और नहीं, पैसे जाना पड़ता था हमें जब समय मिला, ये लगे एग्जामिनेशन चल रहा है, कोई भी काम लग रहा है, अब वर्कलोड कम हो सकता है, हम ऑनलाइन कोर्स कोई भी कर सकते हैं और सारे स्टूडेंट हैं जो स्वयं मुख से सारे स्टूडेंट हैं जी। सर बस यही था, और यही था कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इस तरह सोचती है कि जब गर्मियों की या विंटर वेकेशन या समर वेकेशन होती है उसी दौरान ही एक टीचर को ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स करने चाहिए, जैसे आप मुझे टारगेट करते हैं आपको टारगेट करेंगे छुट्टियों में सब दिया था। कुछ चीजें हैं जो चल रही है स्पेशली ऑनलाइन वाली जो हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स पे भी आते हैं छुट्टी भी चाहिए और ऑनलाइन का ऑब्जेक्टिव खत्म कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स क्यों स्टार्ट किए गए थे ऑनलाइन पर, जिससे कि नॉर्मल हमारा सफर न हो भाई, एक या दो पीरियड में लेके बाकी अपना पूरे टाइम ऑनलाइन कोर्सेज करो, इसलिए सर ने बताया कि वहाँ दोनों ऑप्शन है। यस प्लीज, मैम जितना मैंने देखा है मेरे यहाँ किसी ने ऑनलाइन कोर्स किया था FDP जो मैंने ऑनलाइन कराया था किसी ने भी किया, चलिए नहीं किया, मेरे FDP बहुत कम FDP कोर्स होंगे जिसमें से टीचर को आउट किया गया हो, मैंने 6 टीचर को आउट किया था 6 को, और मेरी जो शर्त थी जो फॉलफिल नहीं की मैंने हटा दिया था। हम क्या अपने आप से बाकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि जब हम ऑनलाइन कोर्स करते हैं कि हमारा कैमरा ऑन रहता है जितने टाइम आवर है ऑफलाइन के बराबर है? अब बिल्कुल प्रैक्टिकली देखिएगा शायद 90% नहीं होगा, हम उसका ही कैमरा ऑफ है शायद आवाज चल रही है बाकी काम कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, वो अटेंटिवनेस नहीं है जो ऑफलाइन होती है। तो मैं सिर्फ ऑफलाइन के लिए छुट्टी होनी चाहिए कि ऑनलाइन के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, हम सब किसी को भी देखेंगे जो ऑनलाइन कोर्स कर रहा हो उसका कैमरा ऑफ, मेरी सर यही थी कि अगर कैमरा ऑफ होगा पहले से ही थी तो मैं इसको नहीं अलाउ करूंगा, अच्छा तो मैंने सर्टिफिकेट नहीं किया बहुत कोशिश कर ली, तो वो चीजें बहुत कम, क्योंकि वो रन करने वाले हम ही हैं, हमें से कुछ सीनियर लोग हैं जो वो भी रन कर रहे हैं वहां, एक बार ये होता है कि भाई चलिए साथी प्रमोशन होना चाहिए, मैं तो चीजों से डील करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं साथी प्रमोशन होना चाहिए लेकिन मेरा साथी होने से पहले मुझे स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इस नाते सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा कुलीग है मेरा साथी है इसलिए चीजें फॉलो कर दी, और यही वहां होती है साथी, अरे कोई बात नहीं ऑफलाइन होगा ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया एक क्वेश्चन कर दिया ठीक है सर्टिफिकेट, ये प्रैक्टिकली हो रहा है ऑनलाइन, स्वयं मुख की बात छोड़ दिए, पर स्वयं मुख से कितने लोग हैं, स्वयं और मुख से बहुत कम लोग कर रहे हैं,
क्योंकि वहां स्ट्रिक्टनेस है। मैं बहुत अपने साथ और स्वयं में तो ये चिंता है कि आपका इंटर्नशिप ही होना चाहिए, वो तो उनका टारगेट है इतने इतने कि आप दो स्वयं कोर्स की हो, उन्होंने साफ लिखा है, तो बराबर है आपके एक एफडीपी के, लेकिन हमारे साथ ही नहीं करते और वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा उनको, लेकिन वहां क्यों, और वो भी ओपन है, आप रात उनका टाइम ड्यूरेशन रात में वीडियो सुनिए, दिन में सुनिए, कब करिए कब नहीं करिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, पर हमारे साथ ही प्रेफर करते हैं वो ऑनलाइन कोर्स जो कल नॉर्मली कहीं चला गया है। मैंने बहुत अच्छी चीजें देखी हैं, कोई स्टिक नहीं है कैमरे पर, कैमरे की दिक्कत अगर है, इंटरनेट की दिक्कत मुझे है, तो मैं ऑनलाइन कोर्स में पार्टिसिपेट कर ही तो रहा हूं, अधिकांश से कहते हैं साथ इंटरनेट नहीं आते, किसने कहा था ऑनलाइन पार्टिसिपेट करिए, बहुत हो रहा है, पार्टिसिपेट भी करना है, इंटरनेट की दिक्कत भी बता दी मुझे। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, एंड सॉरी मैं थोड़ा सा वैसा बोल देता हूँ। आप ट्रेडिशनल कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो बाकी नहीं हिस्ट्री का एग्जाम्पल बोल करता हूँ, आउट ऑफ बेस्ड एजुकेशन बेसिकली क्या फोकस करती है, जो मेन ऑब्जेक्टिव मानते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव, कि वी कैन अर्न समथिंग, कुछ फाइनेंशियल देते हैं। अगर मैं ज्वेलरी का एक एग्जाम्पल की बात करूँ, जो हमारे ज्वेलरी के साथी होंगे, हमारे सभी साथी या हमारे सब स्टूडेंट हम पढ़ा रहे हैं हेमेटोलॉजी स्कूल से पढ़ाते आ रहे हैं, पर क्या वो प्रैक्टिकली हिमेटोलॉजी कर पा रहे हैं, क्या वो ब्लड निकाल के या ब्लड टेस्ट कर पा रहे हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वाकई काम कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आउट बेस्ड एजुकेशन, यानी जो एक्चुअल सभी में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है स्किल ओरिएंटेड पार्ट नहीं है, हिस्ट्री में बस हमको हाईलाइट करना है, उनको प्रैक्टिकली कराना है, इसलिए आप देखिए यूपी की नई एजुकेशन पॉलिसी में दो चीजें कही गई थी कि स्किल कोर्स तो ठीक है, लेकिन साथ साथ जो जो हमारे साथी मैं फिर जुड़ी बात कर रहा हूँ कहते हैं कि सब गड़बड़ कर दिया, फर्स्ट ईयर में ले आए थर्ड ईयर का चीज, थर्ड ईयर की फर्स्ट ईयर में ले आए, भाई वो किया क्या, फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाएगा उसे तब मिले कोई सर्टिफिकेट देंगे, उसका नाम तो ऐसा हो, आज अगर हेमेटोलॉजी पैथोलॉजी का डिप्लोमा दे रहे हैं उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो किसी लैब में जाकर दिखा के जॉब तो पा सकता है, अब उसको आउटकम एक तो टाइटल चेंज करना है, रीओरिएंट करना है, दूसरा उस सब्जेक्ट को उस पार्ट को हाईलाइट करना है जहाँ करने का स्किल है, हर सब्जेक्ट का कुछ स्किल है, कहीं ना कहीं आप ढूंढिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो जानते हैं, स्किल तो सब जगह है, स्क्रीन प्ले हो सकता है किसी में, किसी ने स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकती है लैंग्वेज में, कुछ ना कुछ है जिसको आप उसको हाईलाइट करेंगे तो वहां उस चीजों को थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लासिकल, देखिए क्लासिकल जूलॉजी है या क्लासिकल बॉटनी है, हर सब्जेक्ट का एक कोर वैल्यूज होते हैं, उनको आप थोड़ा थोड़ा आगे ले जाइए, और इसीलिए नए जो सिलेबस बने यूपी में उन सब में रिस्ट्रक्चर ऑरिएंटेशन को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी कि भाई इस ढंग से करना है कि फर्स्ट ईयर में हमारा बच्चा मान के जाएंगे छोड़ के जाएगा, तो जब छोड़ के जाए तो कुछ ना कुछ उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो अपना जॉब या अर्न कर सके। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर विनय भारद्वाज टू समराइज टुडेज प्रोसीडिंग्स एंड व्हाट डू वी टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन, प्लीज सर। We should give a round of applause to all the speakers here. Yes. मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई सेशन आपको इससे बढ़िया कुछ होना चाहिए जो इतनी नॉलेज एक्सपीरियंस यहाँ शेयर हुई है। पर्सनली आई हैव लर्न अ लॉट, इनफैक्ट मैं प्रोफेसर शर्मा साहब से कह रहा था कि मुझे ये स्लाइड चाहिए, मुझे बहुत कुछ सीखना है इसमें से। एंड आई टेल यू स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफेसर गिरीश, प्रोफेसर मलिक, यू नो प्रोफेसर गौर, आप एक एक लाइन को अगर आप सुने कि एक एक वर्ड्स को सुने, देयर वाज़ द पर्ल ऑफ विजडम, बट इट वाज़ जस्ट नॉट जस्ट स्टेटमेंट, इट वाज़ एन एक्सपीरियंस यू नो व्हिच वाज़ ऊजिंग आउट फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर कम्युनिकेशन। मैं प्रोफेसर शर्मा को बहुत देर से देख रहा हूँ, उनका आपने बॉडी लैंग्वेज देखा कितनी तन्मयता के साथ, कितने इन्वॉल्व होकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इंडक्शन क्यों चाहिए, क्या वजह, किस लेवल पे जरूरी, उसका आउटकम क्या होगा, क्या जरूरी। दिस इज व्हाट वी लर्न इन दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। आई टेल यू, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रोफेसर मलिक को और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं कि इस तरह के सेमिनार्स ज्यादा से ज्यादा किए जाए, इंडक्शंस किए जाएं, और ये इतना जरूरी है इस समय कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे छूटने वाले हैं। और ये जो सेमिनार्स है ना, ये बेसिकली अब ये बेस बनेगा हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए, बिकॉज आइडियाज से ही सब कुछ शुरू होती है चीज़ें। और ये जो जितने एक्सपीरियंस यहाँ आपने फैकल्टीज देखी या स्पीकर्स देखें, ये वो लोग हैं जिनसे आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं।
प्रोफेसर गिरीश ने आज सुबह बताया कि एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम. लाइक हाउ अ टीचर सपोज टू बी एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर. अगर मैं प्रोफेसर गौर की बात करूं तो ड्यू टू हिज आई मीन बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल एग्जाम्पल्स ही सेड व्हाट अ टीचर इज सपोज टू बी इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड. व्हाट अ पर्सन व्हाट अ टीचर इज सपोज टू एक्चुअली डू not only in his professional life but also as a personal life. This is what I've learned from Professor Gaur. Abhi yahan par professor aaye the, kya naam hai unka, naam bhul raha hu main, jo Machha College ke the, Professor Rajesh, Rakesh. Unhone induction ke bare mein jo barikiyan batayi hai ki induction hame kis level pe chahiye aur kyun chahiye, that was simply amazing. Amazing. I learn personally a lot about things and I know मैं बहुत कुछ चीजें यहाँ से लेके जा रहा हूँ and I'll try to imbibe the things and as well as I'll try to put the things in the head of the people there in my university. And last but not the least, आपने प्रोफेसर शर्मा को देखा कि जो ट्रेनिंग because he himself was a part of that learning curriculum, that program he developed, with the UP government and IGNU also he's been associated with. So the way he was telling about the importance of the induction at every level of the education and how this induction is going to benefit not only us but the students also. This is what I've learned from Mr. Sharma. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये सेमिनार सिर्फ सेमिनार नहीं है बल्कि this is a pond of a wisdom where everyone should learn something. Even agar aap yahan se kuch bhi cheez leke ja rahe hain, your life is not going to be the same again. Thank you so much, sir, for your motivational words. Now we are heading towards the completion of our today's conference sessions and we are moving towards the felicitation ceremony and I call upon my colleague Dr. Aarti Sharma to present these awards. I call upon Dr. Renu Jain, from head of the department history, to felicitate Dr. H.S. Gaurji. Spared so much time. Thanks a lot. On behalf of college fraternity, I extend my warm wishes to you. I call upon Dr. Neena Batra, IKC in charge for RGPG College, to please felicitate Dr. Vinay Bharadwaj, who has spared so much time for us. Thank you, sir, for sharing your views with us. Now I call upon Dr. Archana Rani to felicitate the guiding and motivating force behind today's conference, our principal, Dr. Nivedita Malik ji, who has guided us at each and every step. A very hearty thanks to all my dignitaries, all my students, faculty members from the college and organizers of today's conference. Thank you all.
We will be meeting tomorrow again at the same time and will share and get the views of our new guests. Some of the guests will be with us tomorrow also. So I extend my welcome to all of you. Please join us tomorrow by 10 p.m. Thank you. Now we will proceed to the courtyard for lunch. Thank you all.